सुप्रभात मानेवर, मैं हूँ इस समय बेलग्रेड सर्बिया में। आज जो मेरा प्लान है वो है यहाँ से नोवी सैद जाने का। दरअसल नोवी सैद यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। ये पहुँचे हम लोग एलेक्स के घर और इसकी तो अब हम लोग फिलहाल रेडी हैं और एलेक्स भाई भी रेडी है, फिर हम निकलेंगे नोवी सैद के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल गए हैं फिर नोवी सैद के लिए। अब हम लोग टोटल 4 लोग होंगे, एलेक्स भाई ये रहे यहाँ पे। पार्किंग से हमें कार पिक करनी है और फिर निकलेंगे शहर से बाहर। सो हाउ मच यू पे फॉर दी लाइक पार्किंग या गैराज? गैराज 7 यूरो 70 यूरो इन अ मंथ 70। ओके, बहुत महंगी है यार। इट्स अबाउट लगभग 6,000 रुपये पार्किंग का पे करते हैं भारतीय रुपयों में हर महीने। हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। Depends which area. Oh my God! ये कह रहे हैं कि 200 यूरो के भी यहाँ पे गैराज हैं। इनका वाला जो गैराज है वो सबसे सस्ता है यहाँ का। 200 यूरो आप मान के चलिए कि लगभग 16-17 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग फी। बहुत महंगा है। लगभग 7 यूरो लगते हैं अगर आपको स्ट्रीट में कहीं पे भी खड़ी करनी है ओपन में, तो लगभग 7 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ तो फ्री में प्राइमरी स्कूल। ओह माय गॉड, 1894 का बना हुआ प्राइमरी स्कूल है ये। और बच्चों की आवाज़ें आ रही है वहाँ से अभी फिलहाल। नहीं, ये स्कूल है 1894 का। और इस साइड में है बोटानिकल गार्डन। We also have these trees in Himalaya. These trees. Yeah. But only in Himalayas. In the like other states, you will not find it such trees. It will not survive. No, it will not survive. तो हम लोग अब निकल चुके हैं। एलेक्स भाई होंगे आज हमें एक अच्छी खासी राइड दे रहे हैं। और पीछे विवेक हैं और उसके साथ में इनसे भी आप मेरे वीडियोस में मिल चुके हैं, आत्मन। तो हम जो है 4 लोग हैं। बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि वो यूगोस्लाविया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। वो ठीक हमारे सामने है, उसके ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जैसे हमारे कनॉट प्लेस में भी है दिल्ली में। लेकिन उस ज़माने में आप सोचिएगा,
इस बिल्डिंग के ऊपर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट था जो 360 डिग्री पे गोल गोल घूमता था यूगोस्लाविया के टाइम में। ये वाला जो हाईवे है अब यहाँ से जाता है नोवी सैड के लिए और उससे आगे ये बुदापेस्ट हंगरी की तरफ भी यही वाला हाईवे जाता है। और अब हम लोग जो है सिटी से बिल्कुल काफ़ी बाहर हैं और मेरे लेफ्ट और राइट में है सर्बियन खेत। हाईवे पर ड्राइव करते हुए कि आप जो लेफ्ट में हैं, लेफ्ट में जाएंगी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ और बिना हॉर्न के ही जो आगे चल रहे हैं, अगर आपके आगे कोई है तो वो राइट में हो रहे हैं अपने आप ही, और अगर राइट में हो जाते हैं वो तो थैंक यू बोलने के लिए ये वो पार्किंग लाइट ऑन करते हैं। ये पहले भी देखा है मैंने रशिया में, कजाकिस्तान में। हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग है कि अगर कोई लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में ही चलेगा, राइट में जा रहा है तो राइट में चलेगा। ये ठीक है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे सिर्फ वो लोग चलेंगे जिनको तेज़ रफ्तार से जाना है। ये हाईवे पे हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक पंप है ये पेट्रोल पंप। एलेक्स भाई को मूत्र विसर्जन करना है तो हमने बोला हम भी फ़ायदा उठाएं। वो देखिए, एलेक्स का कहना है कि दरअसल ये अक्सर रुकते हैं यहाँ पे बिकॉज द टॉयलेट्स आर क्लीन, सो यू यूजुअली स्टॉप हियर। और कभी कभी कह रहे हैं भाई स्विम भी करना पड़ता है सो और ये कॉफ़ी हमेशा पीते हैं यहाँ पे। कई बार होता ना वो हाईवे पे कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, हमारे भी हैं कुछ ढाबे भारतीयों के, जब भी मैं भी दिल्ली से हिमाचल ड्राइव करता हूँ तो मेरे कुछ स्पेशल ढाबे हैं जहाँ पे मैं रुकता हूँ, तो कुछ कुछ वैसा ही है। और ये मेरे सामने है जी सर्बियन खेत, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। अभी हम लोग 30 मिनट में नोवी सैड पहुँच जाएंगे। सब लोग कॉफ़ी ले रहे हैं, मैं नहीं लूँगा, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, कुछ खाना था मेरा कुछ मिला नहीं यहाँ पे चिप्स थे, बाकी कुछ था नहीं, और जो भी था बाकी सब
मेरे खाने वाला नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 9:30 में पहुँच जाएंगे, वहाँ कुछ खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ओके सो एज यू सेड दिस यूज टू बी अ सी हियर, पैनोनियन सी, पैनोनियन सी 1000 इयर्स अगो, 3000 इयर्स अगो, हु नोस, बट north part of Serbia, almost all Hungary, a little of Croatia and a little of Romania, and the class of the land, the soil, it's first class in the world. So the same, this earth they use for small plants and vegetables, you know, when you have flowers in the house. So they take soil from here and just put in the flower pots. They try to make imitation, but here you put whatever you put, it will grow. Oh wow, that's great. So you can see the hills, this used to be islands in the past. एक बात यहाँ पे पता चली अभी, एलेक्स भाई ने बताई, यहाँ पे दरअसल हम लोग पीछे से आए तो बिल्कुल एकदम सीधा था, एकदम सीधा, लेकिन यहाँ से अचानक से जो लैंडस्केप्स हैं ये बदल गए, यानी कि ऊपर की तरफ हो गए। तो इन्होंने मुझे अभी बताया कि यहाँ पे इस जगह पे पहले पैनोनियन सी हुआ करता था, लगभग 3000 साल पहले। इन्होंने मोबाइल पे मुझे दिखाया कि ये जो ऊपर के जो हिस्से हैं ये आइलैंड हुआ करते थे, और जो पानी है वो फिर सूख गया उस सी की वजह से। यहाँ की जो मिट्टी है आज भी, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी कही जाती है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो तो वो उग आएगा, और इनको किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। और कहते हैं कि लोग घरों के जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स, उसमें भी मिट्टी यहाँ की डाल के डालते हैं, ताकि जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये पूरा जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं कि यानी कि जहाँ पे हम हैं ये यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था, और ये ऊपर का जो है वो कभी आइलैंड हुआ करते थे। तो ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है। तो वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लैंडस्केप जो है एकदम से क्यों चेंज हो गया, मतलब पहले सीधा और फिर ऊपर को। तो कभी ये घटना हुई थी नेचर की, जो आज यहाँ पे पैनोनियन सी ऑब्वियसली है नहीं। This is, these hills are the leftovers of the sand. Right. This is like. Oh yes. Sandy mountains. Uh-huh. This is like close to Romanian border, but in Serbia. So this is the leftover of the sea before the sea went to other sea. दरअसल इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो सी था पैनोनियन सी, वो सूखा कैसे, पानी गया कहाँ सारा। जो डैन्यूब नदी है, तो उसने जो माउंटेंस थे उनको काट के रास्ता बनाया, बहुत धीरे धीरे, यानी कि उसमें उसको कई हज़ारों साल लगे होंगे, धीरे धीरे वो रास्ता बनता गया, और सारा का सारा जो पानी है वो उस रास्ते से ब्लैक सी में जाके गिर गया, और जिससे जो पैनोनियन सी है वो गायब हो गया। और कुछ दिखा रहे हैं, so this description, so there is the channel and how it went to the bottom. okay so actual mein ye hai wo wahan pe sea, Pannonian sea, aur ye wo channel hai jiske through jo pani hai wo gira tha black sea mein, ye hai idhar aage jo hai black sea, aur ye yahan se aur is channel ke through देख सकते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा सा रास्ता बना था जिससे जो पानी है वो सारा ब्लैक सी में जाके गिरा था। हाँ यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ये होता है एक किसी भी लोकल के साथ में घूमने की, का एक आपको वो चीज़ पता चलती है जो शायद आप खुद ना ढूंढ पाएँ, खुद ना बता पाएँ, तो इसकी एक बात ही अलग होती है। तो ये चीज़ अच्छी होती है लोकल लोगों के साथ घूमने में। एलेक्स भाई ने आज हमें घुमा रहे हैं, और नई नई बातें पता चल रही हैं सर्बिया के बारे में, जो शायद मुझे कभी पता नहीं चलती हैं।
here, right? Mm-hmm. How much? I don't know. She will say maybe 200-300. Mm-hmm. Fala po na pinto. Pinto. एक्चुअली हमें राइड जाना है यहाँ से, तो हम लोग ये ऊपर आ गए हैं। ये था नीचे हाईवे जहाँ से हम आए थे, और अब हमें जाना है सीधे। और यहाँ पे जो टोल प्लाजा पे पेमेंट किया जाता है वो डिस्टेंस वाइज किया जाता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और वहाँ पे एग्ज़िट गेट पे, जैसे हमारे यहाँ प्रीपेड होता है पहले से आपको पे करना है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट गेट पे आपको पे करना है। पहले आपको वो टिकट सा इशू होगा जहाँ से जब आप हाईवे पे एंटर करेंगे, और फिर आपको देना है वहाँ पे, वो सिस्टम में चेक करेंगे और उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। यू डोंट हैव लाइक ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन सिस्टम? Actually, in India, yeah. We have a small tank here on the car. Yeah, we also have, but I don't travel often with highways, okay. So that's why I... Okay. You need to pay per month, I don't know how much. Okay. Like. No, that's actually for per journey. Suppose there is a tank and I need to recharge it with a specific amount, suppose 100 rupees, 500 rupees. Yeah. So whenever I will pass through any toll, so I don't need to stop my car. You also have in Serbia. Yes. Oh, but okay. I prefer on traditional way. There is the cash, give it back, because I don't believe so much in computers. Like Tesla example in Norway, and my friend Tesla, he just suddenly blocked and he couldn't turn on the Tesla at all. Oh. And then this team, they came and it was some mistake on the software. Uh-huh. So I was like that car. Oh, look, this all beautiful. Ah, it's a beautiful. And old. Is it a Russian Lada? Yeah. Ah. I like this car. Yeah, me too. चाहते थे कि हम लोग सिटी सेंटर अवॉइड करें और सीधा किसी एड्रेस पे जाएं, लेकिन यहाँ पे जाम लगा हुआ है। Selling the car. So okay, okay. From Germany for very cheap price, and then they put three times bigger. Nobody want to buy. And I said, instead of standing here, they could rent for some very cheap price, that at least use the car.